हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं SRFTI 2023 के बारे में। जी हाँ गाइस, SRFTI 2023 का फुल फॉर्म क्या है, किस लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा, एप्लीकेशन किस तरह से फिल करना है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गाइस यहाँ पे अगर SRFTI 2022 का कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आप लोगों को वीडियो के थ्रू अपडेट करके आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले SRFTI का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है, जो कि गाइस यहाँ पे जो नेशनल लेवल का एग्जाम है, कोई भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करें। इस एग्जाम के थ्रू आपको फिल्म एंड टेलीविजन के कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा और ये एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाता है खुद सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के थ्रू। इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में रिलीज किया जाता है, एग्जाम जो है ऑफलाइन मोड में आपका कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। आप गाइस इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइक सबसे पहले इसके एग्जाम डेट्स के बारे में देखते हैं। तो गाइस आपका एप्लीकेशन दिसंबर में रिलीज किया जाता है और आप लोगों का जो रिटर्न एग्जाम है गाइस यहाँ पे फरवरी में एंड में मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ऑल्दो अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू डेट्स अनाउंस नहीं की गई है, जैसे ऑफिशियल अथॉरिटी डेट्स अनाउंस करेंगे हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आप लोगों को हर एक इवेंट की डेट एक्सप्लेन करके बता दी जाएगी। नेक्स्ट मूव टू एप्लीकेशन फॉर्म। सो गाइस आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते जब कोई भी गलत डिटेल्स एंटर करते, कोई भी इनवैलिड डिटेल्स एंटर करते हैं, तो गाइस आप लोगों का एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकता है, मे बी एक्सेप्ट ना हो। क्योंकि गाइस क्या होता है, यहाँ पे कई बार जो स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट पहली बार एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं, कोई आइडिया नहीं होता कि किस तरह से एप्लीकेशन फिल करना है, कौन सी प्रिस्क्राइब साइज और फॉर्मेट है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना है, एप्लीकेशन फी किस तरह से पे करनी है आप लोगों का, गाइस डिटेल्स किस तरह से एंटर करनी है, और ये सारी चीज़ें ना पता होने के कारण किसी भी तरह एप्लीकेशन फिल करने की कोशिश करते हैं एंड एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है, एक्सेप्ट ना हो पाता है। तो गाइस आपको क्या करना है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जैसे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आपको लाइव एप्लीकेशन फिल करके बताया जाएगा। जी हाँ गाइस, फ्रॉम स्टेप वन आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन आप लोगों को पे करके बताई जाएगी। तो सिंपली मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, ताकि आपको कोई परेशानी कोई भी दिक्कत ना हो यहाँ पे एप्लीकेशन फिल करने में। अब बात कीजिए एप्लीकेशन फी की। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों की एप्लीकेशन फी जो है कैटेगरी वाइज है, लाइक यहाँ पे अगर SC ST या PWD कैंडिडेट्स अगर आप है तो 1 कोर्स के लिए 1250 रुपीज़ है, 2 कोर्स के लिए 2500 रुपीज़ है एंड 3 कोर्सेज के लिए आप 3125 रुपीज़ है। वही बाकी मीन जो जनरल कैटेगरी उनके लिए 1 कोर्सेज के लिए 4000, 2 कोर्सेज के लिए 8000 एंड 3 कोर्सेज के लिए 10100 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। अपने साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो गाइस सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन क्या हो रहना चाहिए, आपने ग्रेजुएशन के बाद आपने जो है एनिमेशन सिनेमा एक्सपीरियंस रहनी चाहिए आपकी, ड्राइंग में, PG कोर्सेज के लिए, TV में, और गाइस आपका ग्रेजुएशन अगर आप यहाँ पे जो है कंप्लीट किए हुए हो किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के थ्रू। फिर गाइस इसके बाद गाइस आप लोगों की बात आती है यहाँ पे अभी कि आप लोगों के कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मैं बता देता हूँ। लाइक आपका फोटोग्राफ, आपका चलान और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट आपका एप्लीकेशन फॉर्म में जो है अपलोड करने रहेंगे। सो गाइस नाउ आई होप कि अभी आप लोगों को जो SRFTI 2023 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कुछ डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।